हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में टाइमर कॉन्सेप्ट के पीएलसी और एचएमआई के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पिछले सारे वीडियोस में हमने टाइमर के साथ में सिर्फ पीएलसी को ही देखा है, आज हम टाइमर कॉन्सेप्ट का एचएमआई भी समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम की एचएमआई भी बनाएंगे और इस पूरे प्रोग्राम का हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। पहला तो ये सारे जो वीडियोस आपने 8 से 10 वीडियोस अभी देखे हैं टाइमर कॉन्सेप्ट के, उन सब का रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा ये कि इन सब की हम एक एचएमआई बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने X0 एक इनपुट यूज़ किया है और उसमें T0 आउटपुट यूज़ किया था जिसकी कांस्टेंट वैल्यू 50 थी, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने X0 और T0 के साथ में आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग समझा दी थी, लेकिन थोड़ा सा आज हम और समझेंगे इसको, है ना। देखिए, ये लो स्पीड टाइमर का हमने यूज़ किया था। यहाँ पर लो स्पीड टाइमर के लिए हमको डायरेक्ट T0 K50 यूज़ कर लेना होता है। तो टाइमर की वैल्यू जब हम K10 डालेंगे, मतलब जब यहाँ पर हम 10 डालेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 100 × 10 = 1 सेकंड, ठीक है। तो हमको 5 सेकंड यूज़ करना है, तो वहाँ पर हमको कॉन्स्टेंट वैल्यू 50 डालना पड़ेगी। 5 × 10 = 50, 50 का मतलब हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो लो स्पीड टाइमर जो काम करता है वो 100 मिली सेकंड के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। टाइमर को हम T0, T1, T2, T3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये K50 हमको डालना पड़ता है, K आगे लिखना पड़ता है, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। और 50 मतलब टाइमर को जितनी देर के लिए हमको ऑन करके रखना है या जितनी देर बाद ऑन करना है, वो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसका एक पहले HMI क्रिएट कर लेते हैं और उस HMI में हम एक X0 यूज़ करेंगे और एक टाइमर यूज़ करेंगे और फिर इस X0 से HMI के अंदर एक टाइमर चला के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एक इनपुट X0 यूज़ करना है और उसके साथ में एक टाइमर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारी मेन HMI है, फर्स्ट HMI, ठीक है। तो इसको हम मेन नहीं बोलेंगे, ये फर्स्ट एक एग्जाम्पल के लिए ली हुई है। सबसे पहले हमको स्विच यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इनपुट यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर बिट स्विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्विच पे क्लिक करना है, उसके बाद ये बिट स्विच पर, इस पर यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया, इसको हम यदि बड़ा छोटा करना चाहें तो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब HMI के पहले भी मैंने वीडियोज़ आपको बताए हुए हैं, उन वीडियोज़ में किस तरह से पुश बटन ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई है, लेकिन टाइमर के साथ में कैसे ऐड करना है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर X इसमें यूज़ कर सकते हैं, X000, ठीक है। तो ये मैं ओके करूँगा तो भी यहाँ पर X00 आ जाएगा, और यदि मैं इसको डिलीट करके लिखता हूँ तब भी X00 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमको मोमेंट्री यूज़ करना है या अल्टरनेट यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है हमारा प्रोग्राम किस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अल्टरनेट यूज़ किया हुआ है, मतलब यदि हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तभी टाइमर की वैल्यू काउंट रहेगी, यदि हम पुश बटन को रिलीज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि टाइमर की वैल्यू फिर से रीसेट होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट करने के बाद इसके देखिए यहाँ पर स्टाइल में आना है, स्टाइल में हम इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ब्लू रखना है, रेड रखना है, कैसा रखना है, तो ऑफ़ के समय पे हम रेड रख लेते हैं और ऑन के समय पे हम ग्रीन रख लेंगे, रेड एंड ग्रीन। तो ये एक इंटरनेशनल कलर कोडिंग हो गई, रेड और उसकी रेड और ग्रीन की, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए शेप, आप यदि शेप पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पर आपको शेप मिल जाएंगे। तो आपको किस तरह के HMI में पुश बटन यूज़ करने, उस तरह के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप दूसरे पे भी क्लिक करोगे तो कुछ और अलग टाइप के भी आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ गए, तो आप जो भी पुश बटन यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक नॉर्मल पुश बटन ही यूज़ कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला मैं पुश बटन ऑन के लिए यूज़ कर लेता हूँ और ऑफ़ के लिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कलर उसमें चेंज हो ही जाएगा। एक बार मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार शेप पर क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला चूज़ करने के बाद ये ऑफ़ का है, तो ऑफ़ के लिए हमको ग्रीन नहीं रखना है, ऑफ़ के लिए हम रेड रखेंगे, ठीक है। तो ऑफ़ के लिए रेड रख लिया और ऑन के लिए ग्रीन हो गया, ठीक है। तो जब वो ऑन रहेगा तब ग्रीन दिखाई देगा, ऑफ़ रहेगा तब रेड दिखाई देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती है, आप इसमें देख सकते हैं।
टेक्स्ट में जा सकते हैं, और टेक्स्ट में यदि ऑन और ऑफ का पुश बटन अलग है तो यहाँ ऑन ऑफ इक्वल टू है, इसको हमको एक बार मार्क को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ऑन और ऑफ़ का हम अलग अलग टेक्स्ट लिख सकें। ये वाला ऑफ़ का है, रेड वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ, और उसके बाद ये वाला ऑन है तो इसको हम लिख देते हैं ऑन, ठीक है। अब देखिए फॉन्ट साइज़ क्या है, फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, ये देखिए, तो इसमें थोड़ा सा विजिबल रहेगा, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ है तो इसका भी फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद में इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका भी अगर हम कलर चेंज करना चाहें, जैसे ये रेड के साथ में मैं ग्रीन कर लेता हूँ, और ये ग्रीन के साथ में रेड कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो जो भी कलर हम चूज़ करना चाहें कलर चूज़ हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ से करता हूँ ओके, ओके, तो इस तरह से देखिए ये एक पुश बटन ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑन, देखिए ऑन में ऐसा दिखाई देगा, ये ऑफ, ये एक तरह से सिमुलेशन है, जो ऐड किया है उसको अगर हमको देखना है कि किस तरह से दिखाई देगा तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। जब फिज़िकल हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये एक्स ज़ीरो 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 हमारा इनपुट ऐड हो गया है, ठीक है। अब हमको टी ज़ीरो टाइमर ऐड करना है, तो अब टाइमर कहाँ से ऐड होगा, देखिए यहाँ पर जाना है सबसे पहले ग्राफिकल मीटर, ठीक है, और यहाँ पर फिर सेक्टर मीटर पे जाना है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से टाइमर को ऐड कर सकते हैं, जितना भी बड़ा टाइमर हम यूज़ करना चाहें, ठीक है। ये टाइमर हमने ऐड कर लिया, इसको थोड़ा सा सेंटर में लेता हूँ। अब इस टाइमर की वैल्यू कितनी रखना है हमको, 50 तक रखना है, ठीक है। तो मैंने एक बार यहाँ इस पर डबल क्लिक किया टाइमर पर, और इसकी ये वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन, रेड, येलो, ये जो कलर है, इस कलर के लिए ये बता रहा है कि कौन से वैल्यू पर कौन सा कलर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 40 करूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा 30, ठीक है। तो इसके उसके हिसाब से ये ग्रीन, रेड और वो जो येलो मार्किंग होती है, उस मार्किंग में आने के बाद अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसकी हमको क्या करना है, एड्रेसिंग करना है, तो यहाँ पर किया, और एड्रेसिंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, SDWRZDRZWW, है ना। तो हम यहाँ पर D0 यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना तो हमको टाइमर तो यूज़ करना है, लेकिन टाइमर का यहाँ पर T0 मतलब T की वैल्यू यहाँ पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पर पैरामीटर आपको दिखते हैं, अलग अलग तरह के आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ को देखने को मिल जाते हैं। ST ये अलग है रिटेंटिव टाइमर का, ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो T है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसमें D यूज़ करेंगे, और उस D की वैल्यू को फिर हम मतलब जो टाइमर की वैल्यू है उसको हम मूव करेंगे D0 के अंदर। तो ये T0 के साथ में हम D0 ही यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको यदि टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो टेक्स्ट में लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइमर 0, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। और इसका यदि फॉन्ट बढ़ाना चाहें थोड़ा सा तो फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट का कलर यदि चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर बीच में टाइमर 0 लिखा हुआ आ जाता है, आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो D0 है, यहाँ पर हमको टाइमर की वैल्यू T0 है, इस T0 की वैल्यू को मूव करना पड़ेगा D0 में। तो एक मूव इंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, और एक हम करेंगे इंसर्ट रो, ठीक है। तो एडिट में गए, उसके बाद किया इंसर्ट रो, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइन कैसे डालेंगे, यहाँ गए और ये F10 है, ऐसे किया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे मूव, MOV, मूव लिखा, स्पेस लिखा, T0 की वैल्यू हमको D0 में मूव करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूव T0 D0। एक बार मैं करता हूँ ओके, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। ये T0 की जो वैल्यू है हमने D0 में डाल दी है। ये D0 एक तरह से डाटा रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा रजिस्टर्स हैं, ये डाटा रजिस्टर्स हम टाइमर और काउंटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पर T0, ये आप यहाँ पर देख सकते हो D0 दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर T0 यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो HMI में अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसको डाटा रजिस्टर के थ्रू ही करना पड़ेगा, और ये मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू मूव हो जाता है ना। तो अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार यहाँ पर कंपाइल में गया और ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज, उसके बाद मैं करता हूँ यस, ओके किया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये मूव हो रहा है इसके अंदर। अब हम इसको HMI को भी ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, तो HMI का सिमुलेशन कहाँ से होगा, ये देखिए सिमुलेटर एक्टिव, कंट्रोल प्लस F10 से भी हम कर सकते हैं, और इसको मैंने यहाँ से किया क्लिक
तो फिर ये सिमुलेटर एक्टिव हो जाएगा। ये सिमुलेटर एक्टिव तभी होगा जब आपका ये प्रोग्राम एक्टिव होगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम जब एक्टिव रहता है तब आप यहाँ पर देखोगे ये इस तरह का एक ये दिखाई देता है, ये रीडिंग प्रोजेक्ट दिखा रहा है, देखिए ये वाला, ठीक है, जी एक्स सिमुलेटर 2 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर भी आप देखोगे ना इसकी सेटिंग में ये वाली सेटिंग है, ठीक है, ऑप्शन सेटअप। तो यहाँ पर आप देखोगे मेलसेक IQR GX सिमुलेटर 2, तो उसी से सिमुलेट हुआ। यदि प्रोग्राम सिमुलेट नहीं है अपना PLC वाला, ठीक है, तो फिर HMI का प्रोग्राम भी सिमुलेट नहीं होगा। अब इसको एक बार मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, देखिए ये टाइमर ऑन हुआ, ये ऑन हुआ, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसके अंदर वैल्यू मूव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी 50 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 50 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको एक बार ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए वैल्यू ज़ीरो हो गई, ठीक है। यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं, देखिए X0 को ऑन करूँगा, कंटिन्यू ऑन करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ऑन करेंगे तब तक टाइमर की वैल्यू उसके अंदर मूव होती रहेगी। ये देखिए ये 50 था तो यहाँ पर भी 50 हो गया, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ करूँगा ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो हुआ, D0 के अंदर वैल्यू 50 हो गई है, ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ से फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे ही ऑन करेंगे तो वो जो टाइमर की वैल्यू रहेगी वो डाटा रजिस्टर के अंदर मूव होती जाएगी और इस तरह से ये टाइमर काम करेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम अगले प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम क्या है हमारा देख लेते हैं। देखिए ये वाला X0 का था, स्लाइड नंबर 8, स्लाइड नंबर 9। यदि ये बुक की आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लो स्पीड टाइमर का एक और एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने X1 के साथ में T1 यूज़ किया है, ठीक है। तो X1 हमको इनपुट यूज़ करना है और T1 टाइमर यूज़ करना है, और उसके साथ में K100 हमको वैल्यू रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में एक वैल्यू को मूव कराते हैं, ठीक है। ये देखिए ये X1 है ना, तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को मूव कराता हूँ इस तरह से, सॉरी Ctrl Z, यहाँ पे गया एक बार, रो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी, ठीक है। ये गया और यहाँ पर एडिट में गया और इंसर्ट रो, ठीक है। और अब मुझे फिर से F10 पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए, और इस तरह से इस वैल्यू को मैं मूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखूँगा मूव, MOV मूव लिखा, T1 की वैल्यू हमको लिखना है D1 में मूव कर देना है, ठीक है। T0 को D0 में किया था तो T1 को हम D1 में मूव कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ यस। एक बार ओके किया, देखिए लो स्पीड टाइमर में पहले जो हमने टाइमर यूज़ किया था वो हमने 5 सेकंड का यूज़ किया था, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 10 सेकंड का, ठीक है। तो 10 सेकंड का 100 मिली सेकंड के अकॉर्डिंग हमको 100 यहाँ पर वैल्यू डालना पड़ेगी, तो फिर क्या होगा वो 10 सेकंड का बन जाएगा, ठीक है। 100 × 100 इक्वल टू 10,000, और 1000 मिली सेकंड में होता है अपना 1 सेकंड, ठीक है। तो हमको 10 सेकंड के लिए 10,000 ही वैल्यू को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम जब 100 डालेंगे तो फिर वो 10,000 हो जाता है। अब इस वैल्यू को हमको मूव करना है, यहाँ पर देखिए इस टाइमर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा एक HMI के अंदर 2 प्रोग्राम आने चाहिए, है ना। तो ये HMI है हमारी। अब X1 के साथ में T1 यूज़ करना है, सेम प्रोग्राम है और कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, Ctrl C से Ctrl V, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इस टाइमर को भी Ctrl C Ctrl V किया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये X00 था ना, तो मैं इसको X001 डाल देता हूँ, एक बार इंटर करता हूँ, और बाकी जो ऑन ऑफ था वो सारी चीज़ें सेम है, तो हमको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर देखो आप, इस टाइमर की वैल्यू हमने डाली थी 100, ठीक है, और यहाँ पर हमको कुछ भी डाल देना है 80। वो जो मार्किंग होती है, यदि आपको कहीं क्रिटिकल प्रोग्राम बनाना हो तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आगे देखिए, ये D0 था तो इसको मैं करता हूँ D1, ठीक है। टेक्स्ट में जाके ये टाइमर 1 था तो इसको हम टाइमर 2 कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी टाइमर 0 था तो इसको टाइमर 1 कर देंगे, है ना, और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो ये देखिए टाइमर 1 यहाँ पर अभी लिखा हुआ आता है। अब इसमें आप देखोगे तो 0 to 50 वैल्यू है, इसमें आप देखोगे तो 0 to 100 वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें 0 to 50 ग्रीन दिखाई दे रहा है,
ठीक है। अब ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर देखो ये 50 मैंने डाला हुआ है, इसलिए वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 50 के बाद में आप यहाँ पर देखो 50 टू 80 येलो दिखाई दे रहा है, ये येलो जोन है, ठीक है। तो 50 टू 80 यहाँ पर मैंने क्या डाला हुआ है, देखिए 50 के बाद में 80 डाला हुआ है, ठीक है। तो 80 तक येलो जोन है, और 80 टू 100 फिर रेड जोन हो गया, ठीक है। तो ये ग्रीन जोन जब तक रहता है तब तक अपना सही माना जाता है। और जैसे कोई भी प्रेशर गेज हो गया, आपने देखा होगा उन पर सब सारी चीज़ें ये मार्किंग रहती है, तो आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज सबको 0-0 कर दोगे तो फिर वो एक ही तरह का कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से देखिए ऑनलाइन करता हूँ, यहाँ से मैंने ये रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। तो रिफ़्रेश से क्या होता है, वो जो HMI रहती है वो रिफ़्रेश हो जाती है, ठीक है, और इस प्रोग्राम को भी वो रीड कर लेगी। अब देखिए अपनी ये वाली HMI है वो, ठीक है, ये HMI देखिए, वो हमने पहले एडिट करी थी, अब इस तरह से ये HMI आ गई। अब देखिए इसको करूँगा तो ये देखिए ये 0 to 50 चालू होगा, इसको करूँगा तो ये 0 to 100 चालू होगा। तो इसमें आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है, ये देखिए, लेकिन इसमें स्पीड कम है, ये देखिए ये, ठीक है, इसमें स्पीड कम है, उसमें स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 सेकंड के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करना है, इसको 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ, ये फिर से ऑन किया, अल्टरनेट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए अब ये 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से, लेकिन ये 10 सेकंड कंप्लीट होगा, लेकिन टाइमर को तो ट्रेवल इतना ही करना है, इसलिए इसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये टोटल 10 सेकंड के अंदर टाइमर अपना कंप्लीट होता है। ये अब हमारे दो टाइमर के एग्जांपल हो गए, ये और ये दोनों ही लो स्पीड के टाइमर थे, ठीक है। और अब हम देखेंगे अगले प्रोग्राम के बारे में। हमको सबसे पहले स्क्रीन यदि ऐड करना है तो स्क्रीन में जाना है, और यहाँ पर न्यू में जाना है, और उसके बाद बेस स्क्रीन या फिर विंडो स्क्रीन हम ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन नंबर 2, ठीक है, स्क्रीन नेम, स्क्रीन नेम में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेन स्क्रीन, ये मेन स्क्रीन रहेगी, और इसी मेन स्क्रीन से हम किसी भी स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब ये पासवर्ड यदि हमको डालना हो तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं करता हूँ ओके, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी स्क्रीन हो गई, ये हमारी है पहली स्क्रीन, ठीक है, ये वाली है दूसरी स्क्रीन। अब यहाँ पर हमको कुछ स्क्रीन के स्विचेस ऐड करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको जाना है स्विच पर, गो टू स्क्रीन स्विच, ठीक है, और इस स्क्रीन स्विच को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है, जहाँ आपको सही लगे। अभी फ़िलहाल मैं एक स्विच यहाँ पर ऐड करता हूँ, इतना बड़ा, ठीक है, इसको ओके किया, और स्क्रीन नंबर हम गए 2 पर, मेन स्क्रीन पर, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ ओके, सॉरी टेक्स्ट में इसको लिख देते हैं हम मेन, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मेन लिख देते सिर्फ, है ना, और बोल्ड किया, और इसका फॉन्ट अगर बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला जो कलर है इस कलर को हम थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टाइल में गए और ब्लू की जगह रेड, और इसकी जगह ग्रीन, ये ऑन ऑफ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये सही रहेगा। और उसके बाद मैं करता हूँ ओके, और भी इसमें कुछ चेंज करना चाहो आप, गोल बटन जिस तरह से आप यूज़ करना चाहो वैसे आप बटन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल बटन है, ठीक है, या फिर आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं एक बार इसकी स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसको शेप में चेंज करके देखता हूँ, है ना, ये गया, इस तरह से लेते हैं, ये थोड़ा सही रहेगा शेप, है ना, ये ऑफ़ है, ऑफ़ के लिए भी ये वाला, ठीक है, तो ये सही है। इसके लिए फिर से देखिए हमको कलर, यदि हमने चेंज किया है तो हमको कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और ये था ग्रीन की जगह रेड, ठीक है। अब मैं करता हूँ ओके, इस तरह से ये दिखाई देगा, ठीक है, और मैं करता हूँ ओके। अब देखिए ये है मेन स्क्रीन, ठीक है, इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे हम 2 नंबर स्क्रीन पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट और प्रीवियस स्क्रीन जो है उस पर जाने के लिए भी हमको गो टू स्क्रीन स्विच ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। देखिए इसी मेन स्क्रीन में हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये गए और इस पर लिखा गो टू स्क्रीन स्विच, और एक तरह से हम यहाँ पर ऐसा ऐड करेंगे पुश बटन, ठीक है, ये हमने कर दिया इतना बड़ा, ठीक है, और इसको हमने लिखा ये वाली बेस स्क्रीन है, इसको लो स्पीड टाइमर की स्क्रीन है, ठीक है, तो 1 स्क्रीन पर ही हमको स्विच करना है। टेक्स्ट पर हमको लिखना है
लो स्पीड टाइमर, ठीक है। और उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में इसका हम चेंज करेंगे शेप, शेप इस तरह का रखेंगे, और ये वाला भी शेप हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला ये रहेगा, और इसका कलर रेड रखेंगे, इसका कलर आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल रेड और ग्रीन रखता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट में जाके इसका यदि हमको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं करता हूँ ओके, तो ये इतना बड़ा आता है टोटल, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से इतना, ठीक है। तो ये हो गया लो स्पीड टाइमर। अब हमको जब भी लो स्पीड टाइमर की स्क्रीन पर स्विच करना होगा, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो लो स्पीड टाइमर पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमको हाई स्पीड टाइमर पर जाना है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं हाई स्पीड टाइमर पर, ठीक है। तो हाई स्पीड टाइमर के लिए एक स्क्रीन और ऐड करना पड़ेगी, ठीक है। ये B2 है, अब हमको B3 ऐड करना पड़ेगी। तो ये न्यू गए 3 नंबर, ठीक है। इसको देखेंगे हाई स्पीड टाइमर, ठीक है। यहाँ पर भी आप और कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं सेम डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ ओके, है ना। ये हो गया हाई स्पीड टाइमर, और इसकी स्क्रीन नंबर है 3। तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, और इस तरह से यहाँ पर गए और इसको लिखा हाई स्पीड टाइमर, ठीक है। स्क्रीन नंबर हमको 3 पर जाना है, जैसे ही हम यहाँ पर 3 क्लिक करेंगे तो देखिए हाई स्पीड टाइमर आता है, ठीक है ना। और ये टेक्स्ट पर गए, टेक्स्ट पर जाने के बाद लो की जगह हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाई, HIGH हाई स्पीड टाइमर, ठीक है। और कलर कलर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हाई स्पीड टाइमर की स्क्रीन। हम एक बार में यहाँ पर 2 स्क्रीन अभी फ़िलहाल ऐड कर लेते हैं, बाद में जो भी रहेगा देख लेंगे। हाई स्पीड टाइमर के लिए इसमें हम नेक्स्ट प्रीवियस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन है ना, इसी को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हमको नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है या प्रीवियस स्क्रीन पर जाना है तो हम जा सकते हैं। अब ये जो B1 है, इसकी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो मेन है, ठीक है। तो इससे हमको 2 पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें हमको लिखना पड़ेगा प्रीवियस, ठीक है, PREV, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रीवियस स्क्रीन। एक बार ओके किया, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मेन स्क्रीन पर चले जाएंगे। इस पर हम लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट में गए, ये एक ही बार वन टाइम करना होता है, बार बार फिर इसको हम इसको कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिखा नेक्स्ट, और स्क्रीन का नंबर क्या है, तो इसका स्क्रीन का नंबर रहेगा 3। देखिए ये 3, ठीक है, ये गया ओके कर दिए। तो अब जब भी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो 3 नंबर पर ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। हाई स्पीड टाइमर के बारे में देख लेते हैं, तो सेम पुश बटन और ये हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वाले पुश बटन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए जो हाई स्पीड टाइमर होते हैं वो काउंट टाइम इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 10 मिली सेकंड, ठीक है। तो जो लो स्पीड टाइमर थे वो 100 मिली सेकंड के हिसाब से काउंट करते थे, ये 10 मिली सेकंड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो ये 1000 का सोवा भाग हो गया, मतलब 1 सेकंड का सोवा भाग जो है वो हाई स्पीड टाइमर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू डली रहती है वो। और यहाँ पर हाई स्पीड टाइमर के लिए हमको H यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पर नॉर्मल हमने T0, T1, T2 यूज़ कर लिया था, यहाँ पर HTK100 यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और हाई स्पीड टाइमर में H का मतलब होता है हाई स्पीड टाइमर, T3 या फिर T4 जो भी है वो टाइमर का नंबर होता है, और जो K100 है वो टाइमर की प्रीसेट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इतने पर जाने के बाद टाइमर अपना आउटपुट जनरेट करेगा, तो वो हो गया टाइमर की प्रीसेट वैल्यू। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने X3 यूज़ किया हुआ इनपुट, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर पुश बटन ऐड कर लेते हैं, और जल्दी से करने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसको क्लिक करके एक बार यहाँ भी मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट, ये देखिए शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक और चीज़ हमको पेस्ट करना है, वो है मेन स्क्रीन वाला जो ये है, ये तीनों चीज़ें भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब ये स्क्रीन पूरी ही हमको कॉपी पेस्ट कर लेनी चाहिए थी। कॉपी किया, यहाँ पर हम इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया मेन स्क्रीन, ये हो गया टाइमर थ्री, इसमें लिखना पड़ेगा टाइमर थ्री, और इसमें इनपुट नंबर कौन सा है वो देख लेते हैं। देखिए इनपुट नंबर इसमें रहेगा एक्स थ्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले तो एक्स ज़ीरो ज़ीरो की जगह एक्स थ्री, एक बार मैं करता हूँ इंटर, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट वाला, और इसमें डी ज़ीरो था तो इस डी ज़ीरो की जगह मुझे लिखना पड़ेगा डी थ्री, ठीक है। ये होगी डाटा रजिस्टर की वैल्यू, और यहाँ पर हमने वैल्यू 100 डाली हुई है तो इसमें भी हमको 100 डालना पड़ेगा, ठीक है। 80 और इसको मैं डाल देता हूँ 60 या फिर 40, 30 जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ज़ीरो, ये ज़ीरो लोअर वैल्यू है, 100 हायर वैल्यू है, इसके बीच में जो ये रेंज है 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ ओके, और ये टाइमर ज़ीरो जो था इसको मैं लिख देता हूँ टाइमर 1 2 3, ये वाला ये रहेगा हमारा टाइमर थ्री, टाइमर थ्री, ठीक है। डाउन ये टाइमर थ्री है ना, और ये जो एक्स थ्री था ये था डी थ्री, ओके रुको, ओके करते हैं। अब हमको इसका प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या डालना पड़ेगा, प्रोग्राम में हमको लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर मूव टी वन हमने कर दिया है, और ये टी थ्री जो था हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मूव टी थ्री डी थ्री, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक रो को इंसर्ट करता हूँ, देखिए ये इंसर्ट रो किया, और F10 से हमको फिर से क्लिक करना है, ये F10, ये देखिए यहाँ लिखूँगा मूव T3 की वैल्यू को हमको T3 नहीं, यहाँ पर T2 हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो हमको T3 यूज़ करना है और इसकी वैल्यू को हमको D3 के अंदर मूव करना है। तो ये वाला जो हाई स्पीड टाइमर है T3 वाला, ये D3 के अंदर इसकी वैल्यू मूव हो जाएगी। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करेंगे, एक बार करेंगे यस। प्रोग्राम जो है ये पूरा कैसे बना है इसकी सारे वीडियोस मैंने आपको बताई दी हैं, वो आपने देख लिए। यहाँ पर सिर्फ हमको वैल्यू को मूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं जैसे ही ऑन करूँगा, ओह सॉरी, पहले हमको इस प्रोग्राम को पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब रिफ़्रेश किया तो इस तरह से दिखाई दे रहा, इसको नेक्स्ट करता हूँ तो इस तरह से आ जाता है। देखिए ये प्रीवियस करूँगा तो प्रीवियस आ जाएगी, ठीक है। लो स्पीड टाइमर पर क्लिक करेंगे तो लो स्पीड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं या फिर मेन पर क्लिक करेंगे तो मेन आएगी, हाई स्पीड पर क्लिक करेंगे तो हाई स्पीड की आ जाएगी। अब देखिए ऑन करता हूँ, ये देखिए तुरंत है ना, इसकी इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए ठीक है। तो ये जो वैल्यू हाई स्पीड में हमने 100 डाली है तो 100 × 10 = 1000 ms, तो टोटल ये जो टाइमर हुआ है ये 1 सेकंड का ही हुआ, ये देखिए ये 1 सेकंड के अंदर इसने इसकी वैल्यू को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हाई स्पीड टाइमर काम करता है और HMI पे इस तरह से बनता है। अगली HMI में हम फटाफट देख लेते हैं, आपको जो मैंने डिटेल्स बताना थी वो सारी डिटेल्स बता दी है। अब मैं ये सारे टाइमर्स कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो पिछले टाइमर में जो हमने वैल्यू यूज़ करी थी वो 100 यूज़ करी थी, और इस टाइमर में जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो 1000 यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये टोटल 10 सेकंड का टाइमर बनने जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से यदि हमको स्क्रीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये किया और शिफ्ट ये किया और Ctrl+C Ctrl+V किया और उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और आगे आप देखिए ये X3 है, इसको हमको X4 करना है जल्दी से, ठीक है। फिर यहाँ से ओके करता हूँ, ये D3 है इसको मैं D4 करूँगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको मैं 1000 डाल देता हूँ, 800 यहाँ पर 400, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट में जाना है और इस टाइमर का जो नंबर 3 था इसको हम करेंगे 4, फिर एक बार मैं ओके करता हूँ तो इस तरह से टाइमर ऐड हो जाता है। और अब प्रोग्राम में भी हमको वैल्यू को मूव करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम में ये X4 है, यहाँ पर हमको एक इंसर्ट रो करना पड़ेगी, ये इंसर्ट रो करी, ठीक है। ये इस तरह से भी हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन ऐड करी, देखिए यहाँ पर गए और ये इस तरह से हमने एक लाइन इंटर किया, ठीक है। तो एक ही लाइन ऐड हो गई, और मूव यहाँ पर लिखना पड़ेगा T4 D4 की वैल्यू को हमको D4 में मूव करना है,
और यहाँ पर फिर हमको शिफ्ट प्लस F4 से ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज करना है। एक बार मैं इंटर करता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इंटर करूँगा और यहाँ पर ये जैसे ही प्रोग्राम चेंज हो जाता है इसके बाद इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ़्रेश करने के बाद इसकी ये जो HMI जो है वो अपने को शो हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, देखिए ये वाला 1 सेकंड का था, ठीक है। इसको देखिए, ये 10 सेकंड का टाइमर है, लेकिन ये भी हाई स्पीड टाइमर है। आप यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा 400 के बाद सीधी 500, 600, 700 हो रही है, मतलब ये हाई स्पीड काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 1000 तक जाने में सिर्फ 10 सेकंड लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए, ये 1000 तक जाने में 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है। प्रीवियस में देखिए, लो स्पीड टाइमर, इसमें देखोगे आप तो 1000 तक जाने के लिए ये वाला, सॉरी 100 तक जाने के लिए ये जो है 10 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है, ये हो गया हाई स्पीड टाइमर। ये देखिए, एक बार ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। तो ये HMI पे अगर अपने को कोई प्रोग्रामिंग के साथ में टाइमर ऐड करना है तो इस तरह से हम इसमें टाइमर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मुझे गड़बड़ ये लग रही है कि इसकी प्रीवियस में जाने के बाद ये मेन पर जा रहा है, लेकिन ये गलत है। प्रीवियस में जाने के बाद इसको लो स्पीड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार इसकी स्क्रीन जो है ये देखिए, ये प्रीवियस, इस पर डबल क्लिक किया और इसको मेन स्क्रीन पर नहीं जाना है, इसको 1 पर जाना है, ठीक है। एक बार मैं ओके करता हूँ बेस स्क्रीन पर, ठीक है। ये वाला 2 पर जाना चाहिए, ये मेन है, ये 2 पर जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, 12 नंबर स्क्रीन पर देखिए, ये है रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर थोड़े से अलग टाइप से काम करते हैं, ये वैल्यू को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिटेंटिव टाइमर क्या होता है, पूरी इसकी थ्योरी मैंने समझाई हुई है, आज सिर्फ हम प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं। तो इसमें X5 इनपुट है और ST5 एक आउटपुट टाइमर है, ठीक है। बेस स्क्रीन हमको ऐड करना है, स्क्रीन नंबर 4, इसको हम लिखेंगे रिटेंटिव टाइमर, ठीक है। और इसी को कंट्रोल सी किया, यहाँ पर लिखा कंट्रोल वी, और स्क्रीन नंबर ये हो गई 4, ठीक है। तो ये स्क्रीन नंबर 4 है और इसका शिफ्ट डाला और ए डाल दिया, कंट्रोल ए डाल देता हूँ तो कंट्रोल ए से सारा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल ए से फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। सॉरी, जहाँ दिया, जहाँ हमने पेस्ट किया था वहीं पर इंटर करना, तो मेन अपनी जगह पे ही रहेगा। ये जो प्रीवियस है, इस प्रीवियस में 1, 2, 3, यहाँ पर 3 नंबर आएगा हाई स्पीड टाइमर पर, ये जाना चाहिए प्रीवियस में, और ये वाला 4 नंबर पे जाना चाहिए। इसमें हमने क्या डाला था हाई स्पीड टाइमर में, जो ये प्रीवियस है, इसको एक बार ओके करता हूँ और इसको मैं 4 डाल देता हूँ, ठीक है। रिटेंटिव टाइमर ये ओके कर दिया, तो ये हाई स्पीड टाइमर से यहाँ पर रिटेंटिव टाइमर पर चला जाएगा। रिटेंटिव टाइमर का जो मेन स्क्रीन है वो सेम रहेगा और ये प्रीवियस स्क्रीन में हाई स्पीड टाइमर पर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्क्रीन का, अब हमको देखना है इनपुट एंड आउटपुट का। तो इनपुट हमने X5 यूज़ किया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दो प्रोग्राम एक साथ में समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी से समझ में आए। तो X5 और X6 दोनों यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले X3 की जगह मैंने यहाँ पर किया X5, ठीक है। टेक्स्ट में अगर कुछ चेंज करने हो तो कर सकते हो, वैसे मुझे लगता नहीं कुछ चेंज करना है, ऑफ कर दिया, ठीक है। और X5 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे X6, ये एक साथ में दो टाइमर हम समझ लेते हैं। रिटेंटिव टाइमर अपनी वैल्यू को स्टोर करके रखता है, कैसे स्टोर करता है वो देखेंगे, ठीक है। ये टाइमर 3 की जगह इसको टाइमर 5 हम डालेंगे, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू थी पहले वाले टाइमर में, जो वैल्यू है वो 50 है, ठीक है, X5 के लिए, और X6 के लिए 2000 है, ठीक है। तो D3 की जगह यहाँ हम D5 डाल देते हैं, और टेक्स्ट में जाने के बाद टाइमर 5, ठीक है। और इसकी स्टाइल में जाने के बाद आप देखोगे तो हमने 50 यूज़ करी हुई है, ठीक है, यहाँ पर X5 में 50 यूज़ करी है, ठीक है। तो इसको मैं 50 यूज़ करता हूँ, देखिए ये मैंने यहाँ पर 50 डाला। आपको एक बार ये भी समझा देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ 2 और इसको मैं डाल देता हूँ 1, ठीक है। वो ये वाली 0, 1, 2 होना चाहिए, वैल्यू 0, 0, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और एक बार मैं करता हूँ ओके, ठीक है। और ये है टाइमर 6, इसकी वैल्यू हमको 2000 डालना है, ठीक है। तो ये डाला 2000,
और यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1000 डाला और यहाँ पर डाला 500, ठीक है, ये होगा 500, ठीक है। और D4 की जगह हम यहाँ पर D6 यूज़ करने जा रहे हैं, और जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में हम लिखेंगे टाइमर 6, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया HMI का काम, यहाँ पर हमने किया ओके, तो ये पूरा HMI का काम हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। आप इसमें देखोगे तो ये पूरा रेड आ रहा है, क्योंकि वो मैंने जो आपको बताया था, हमने 012 डालने के बाद ये पूरा जो है 3 से लेकर 50 तक पूरा रेड जोन डाला हुआ है, ठीक है। तो आप जैसा भी डालना चाहो डाल सकते हो, जैसा भी ये पूरा रेड है ना। तो यहाँ पर ये 1 की जगह अगर मैं 20 करता हूँ, 50 था ना, और यहाँ पर करता हूँ 35, ठीक है, यहाँ डालता हूँ, हाँ ठीक है, 20 चलेगा। तो अच्छा, इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, किस टाइप का टाइमर आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको अलग टाइप का टाइमर यूज़ करना है तो अलग टाइप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं एक बार ओके करता हूँ, इसमें भी अगर अलग टाइप का टाइमर यूज़ करना है तो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर गए, बहुत सारे टाइप के टाइमर आते हैं, आपको जो भी यूज़ करना हो कर सकते हो। देखिए ये अलग टाइप का मैंने टाइमर यूज़ किया, तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं। देखिए X4 ये है X5, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वैल्यू को मूव करना है, इंटर इंसर्ट रो, यहाँ पर क्लिक किया और ये शिफ्ट प्लस F9 से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लिखना है मूव T5 की वैल्यू, हमको D5 के अंदर करना है, ठीक है। तो ये T5 की जो वैल्यू है वो D5 के अंदर मूव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इंसर्ट रो किया, ठीक है, और शिफ्ट प्लस F9 से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार करके देखता हूँ, शिफ्ट F9 एंटर किया और यहाँ लिखा मूव T6 स्पेस D6, ठीक है। तो हम T6 की वैल्यू को D6 में मूव कर देते हैं, ठीक है। शिफ्ट F4 से मैं इस प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन करता हूँ, यस किया और एंटर किया, ठीक है। इस यहाँ से ओके करूँगा, इस प्रोग्राम को भी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो वो प्रोग्राम मूव हो चुका है। अब जो HMI बनी थी हमारी, यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो ये वाली है, ठीक है। देखिए ऑन करूँगा, सॉरी, इसमें हमने T5 की वैल्यू को D5 किया है ना, सॉरी, T5 की जगह हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ST5, ठीक है। मैंने एक बार ओके किया और यहाँ पर T6 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ST6, एक बार मैं करता हूँ इंटर, ठीक है, शिफ्ट F4, एक बार मैं करूँगा यस। इंटर किया, ठीक है। अब देखते हैं जरा किस तरह से काम करेगा। सॉरी, इसको रीसेट भी करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से रीसेट करता हूँ और एक बार ये करता हूँ, ठीक है। रीसेट करने के लिए भी मुझे अलग एक इसमें बटन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी X7 है, तो उसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। पहले आपको ये टाइमर दिखा देता हूँ, ये टाइमर देखिए इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। रीसेट के लिए एक बार मैंने यहाँ पर किया Ctrl C Ctrl V, ओके, और X6 की जगह यहाँ पर मैं X7 करता हूँ, ठीक है, और इस HMI को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये हमने एक रीसेट का बटन यहाँ पर यूज़ किया है, जैसे इसको प्रेस करते हैं तो टाइमर की जो वैल्यू है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अल्टरनेट यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे तो अल्टरनेट में क्या होता है, देखिए इसको ऑफ़ करूँगा फिर इसको ऑफ़ करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, X5 और X6 दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिटेंटिव टाइमर है ये काम कैसे करते हैं, देखिए मैं जब इस बटन को ऑन करूँगा तो ये जो वैल्यू है, सॉरी ऑन नहीं हुआ, हाँ रीसेट ऑन है इसलिए ऑन नहीं हुआ। इस रीसेट पहले इसको देखिए ऑफ़ कर देता हूँ, रीसेट को ऑफ़ करना पड़ेगा पहले, देखिए ये रीसेट है ना, इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो देखिए ये, अब मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ,
इसको स्टॉप करेंगे तो वो वैल्यू जहाँ पर रुकी हुई है अभी, जहाँ तक उस वो वैल्यू गई है वहीं पर वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार ऑफ करके देखिए, ये फिर से मैं यहाँ पर रोकता हूँ तो ये 40 पर चली गई। ठीक है, तो यदि हमने टाइमर की पावर को बंद कर दिया है, मतलब टाइमर पे जो इनपुट आ रहा है वो आना बंद हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो X5 पर कोई इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हुई है, वो वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम रिटेंटिव टाइमर बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो ये 2000 तक वैल्यू है। मैं एक बार इसको यहाँ रोकूंगा, फिर आप देखिए ये हाई स्पीड टाइमर है। ठीक है, तो ये रिटेंटिव टाइमर में लो स्पीड टाइमर है, ये वाला जो रिटेंटिव टाइमर है इसमें ये हाई स्पीड टाइमर है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर हो गई है। प्रीवियस हम स्क्रीन में देखेंगे, यदि ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए प्रीवियस स्क्रीन में देखिए ये 1000 वैल्यू है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फिर एक बार ऑन करूँगा तो ये देखिए फिर से ज़ीरो से चालू हुआ। ठीक है, फिर से आप समझो इसको ऑफ़ कर दिया। ठीक है, तो फिर से ये ज़ीरो से चालू हुआ है ना। तो ये जो टाइमर की वैल्यू है रिटेंटिव टाइमर में जहाँ ऑफ हुआ है वहीं से चालू होगा, लेकिन जो नॉर्मल टाइमर हाई स्पीड और लो स्पीड के हैं उसमें एक बार यदि हमने ऑफ़ कर दिया तो वो टाइमर फिर ज़ीरो से ही चालू होगा। ठीक है, ये देखिए ये है रिटेंटिव टाइमर। इसमें देखिए ये जहाँ था, इसको मैं ऑन करूँगा तो ये यहीं से चालू होगा। ठीक है, तो ये रिटेंटिव टाइमर और नॉर्मल टाइमर में ये डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ रोकूँगा तो ये यहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटेंटिव टाइमर। इसको हमको रीसेट करना है तो ऐसे हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों टाइमर चालू हो गए। ये लो स्पीड का टाइमर है, 50 को वैल्यू को अचीव करना है, इसलिए वो जल्दी से अचीव कर रहा है। इसको 2000 अचीव करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि धीरे काम कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर वैल्यू मूव हो रही है। ठीक है, तो ये जैसे ही 2000 कंप्लीट होगा और उसके बाद ये टाइमर रुक जाएगा। देखिए 2000 हुआ और ये टाइमर रुक गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिटेंटिव टाइमर का भी एग्ज़ाम्पल। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने एक रिटेंटिव टाइमर का लो स्पीड समझा है और एक रिटेंटिव टाइमर का हाई स्पीड समझा है। ठीक है, इसको हम रीसेट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप HMI जो है, देखिए ये HMI है और इसको मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके X7 का जो टेक्स्ट है इसको मैं रीसेट लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने किया RESET रीसेट। ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल में गए, डिवाइस स्टाइल अल्टरनेट है ना, तो ये अल्टरनेट की जगह मैं यहाँ पर मोमेंट्री यूज़ कर सकता हूँ। रीसेट करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए प्रेस करो, वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो बार वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बार एग्जांपल समझाता हूँ। रीसेट करने के लिए अगर एक मिलीसेकंड के लिए भी पल्स मिल गई तो फिर वो वैल्यू को रीसेट कर ही देता है। ठीक है, उसको प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये ऑन किया, सॉरी ये ऑन होगा अभी, ये रिटेंटिव टाइमर है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, ये रीसेट किया। ठीक है, अब एक बार ऑन करूँगा तो देखिए वो ज़ीरो हो गया था, है ना। मैं एक बार इसको ऑफ़ करता हूँ, ये रीसेट कर दिया, अब ऑफ़ करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि रीसेट करने के बाद वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। कैसे हो रही है वो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिकल देख सकते हो। देखिए अभी वैल्यू कहाँ चल रही है हमारी, ये वाली। ठीक है, ये ऑफ़ किया। ठीक है, तो देखिए 1030 अभी वैल्यू है, रीसेट करूँगा, ये देखिए ज़ीरो हो गई वैल्यू। ठीक है, ऑन किया, ज़ीरो से चालू हुआ। ठीक है, तो ये रीसेट हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।